हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरबी गुड आइडियाज। इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए फिजिक्स के लेसन 1 इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस 2020 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 100% इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में मैं भी आपकी हेल्प कर सकूं। चलिए अब हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई यूनिट क्या है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट, डिफाइन एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एम्पियर को डिफाइन करें। आप जानते हैं कि एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एमीटर, हाउ इज इट कनेक्टेड इन अ सर्किट। एमीटर क्या है, इसे सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जाता है। एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे इलेक्ट्रिक करंट नापने के लिए यूज़ किया जाता है, इसे सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग फोर देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाई शुड द रेसिस्टेंस ऑफ नंबर 1 एन एमीटर बी वेरी स्मॉल, नंबर 2 ए वोल्ट मीटर बी वेरी लार्ज। एमीटर का रेसिस्टेंस वेरी लो होना चाहिए ताकि सर्किट में फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू चेंज ना हो, और वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस बहुत लार्ज होना चाहिए ताकि ये सर्किट से बहुत नेगलिजिबल अमाउंट ऑफ करंट ले सके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ सर्किट सिंबल्स ऑफ नंबर 1 ए सेल, नंबर 2 ए बैटरी, नंबर 3 एन ओपन स्विच, नंबर 4 ए क्लोज्ड स्विच, नंबर 5 फिक्स्ड रेसिस्टेंस, नंबर 6 वेरिएबल रेसिस्टेंस। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटालिक कंडक्टर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक मेटालिक वायर का रेसिस्टेंस टेम्परेचर में इंक्रीज के साथ साथ क्यों बढ़ता जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स का कोलाइजेंस बढ़ता है, जिससे मेटालिक वायर का रेसिस्टेंस भी बढ़ जाता है। अब हम लोग सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन ये है, हीट इज जनरेटेड कंटिन्यूसली इन एन इलेक्ट्रिक हीटर बट द टेम्परेचर ऑफ इट्स एलिमेंट बिकम्स कॉन्स्टेंट आफ्टर सम टाइम, व्हाई। इलेक्ट्रिक हीटर में हीट लगातार उत्पन्न होती है, लेकिन इसके एलिमेंट का टेम्परेचर कुछ समय बाद कॉन्स्टेंट हो जाता है, क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा है। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी यानी विद्युत प्रतिरोधकता क्या है। कंडक्टर के मटेरियल की इकाई लंबाई और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया को उस कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी कहते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। एक कंडक्टर का रेसिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आपको बताता चलूं कि एक कंडक्टर का रेसिस्टेंस इसके लेंथ, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल और कंडक्टर के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हाई आर क्वाइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन अलॉय रादर दैन ए प्योर मेटल। इलेक्ट्रिक टोस्टर्स और इलेक्ट्रिक आयरन के क्वाइल प्योर मेटल के बजाय किसी अलॉय के क्यों बने होते हैं। अब हम लोग 11th क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को सीरीज में ना कनेक्ट करके पैरेलल में कनेक्ट करने के क्या फ़ायदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग 12th देखते हैं। ये क्वेश्चन है, व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट ऑफ अप्लायंसेस नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। डोमेस्टिक वायरिंग के लिए सीरीज अरेंजमेंट का यूज़ क्यों नहीं किया जाता। डोमेस्टिक वायरिंग में सीरीज अरेंजमेंट का यूज़
इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि सीरीज में कनेक्ट करने से टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे सर्किट में करंट का फ्लो कम हो जाता है। और अगर एक अप्लायंस को ऑफ कर दिया गया या वो डैमेज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई रुक जाएगी और दूसरे अप्लायंसेस भी काम करना बंद कर देंगे। अब देखते हैं 13वां क्वेश्चन, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वैरी विथ इट्स क्रॉस सेक्शन। किसी वायर का रेजिस्टेंस कैसे इसके क्रॉस सेक्शन के साथ वैरी करता है। 14th क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के अंतर को बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। थ्री रेसिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड देयर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से आप क्या समझते हैं, तीन रेसिस्टेंसेस R1, R2 और R3 सीरीज में कनेक्टेड हैं, उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है व्हाट इज जूल्स हीटिंग इफेक्ट, हाउ कैन इट बी डिमॉन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली, लिस्ट इट्स 4 एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। जूल का हीटिंग इफेक्ट क्या है, इसे एक्सपेरिमेंटली कैसे दर्शाया जा सकता है, दैनिक जीवन में इसके 4 उपयोग लिखें। अब देखते हैं 17th क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है हाउ डज यूज ऑफ ए फ्यूज वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। एक फ्यूज वायर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कैसे बचाता है। अगला क्वेश्चन ऑल टाइम हिट है, कोई भी स्टूडेंट इसे इग्नोर नहीं करता। क्वेश्चन है स्टेट ओम्स लॉ, हाउ कैन इट बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली, डज इट होल्ड गुड अंडर ऑल कंडीशंस, कमेंट। ओम्स लॉ को लिखिए, इसे एक्सपेरिमेंट द्वारा कैसे वेरीफाई किया जा सकता है, क्या यह हर कंडीशन में सही है, कमेंट करें। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन इस तरह है व्हाट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रिप्रेजेंट इट इन टर्म्स ऑफ जूल्स। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट क्या है, इसे जूल्स में व्यक्त करें। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर है। 1 किलोवाट आवर 3600000 जूल्स के बराबर होता है, जिसे स्टैंडर्ड फॉर्म में 3.6 × 10⁶ जूल्स लिखते हैं, यानी 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल्स। इस चैप्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है स्टेट द डिफरेंट वेज 3 रेसिस्टर्स ईच हैविंग रेसिस्टेंस आर कैन बी कनेक्टेड सो दैट दे विल ड्रॉ मैक्सिमम करंट फ्रॉम द सर्किट, एक्सप्लेन। 3 रेसिस्टर्स हैं जिनमें से हर एक का रेसिस्टेंस आर है, उनको कनेक्ट करने के डिफरेंट तरीके बताइए ताकि वो सर्किट से मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर सकें। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। आप इन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक न्यू चैप्टर को देखेंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।